अगर वो आपकी दोस्त बन रही है तो मैं अगर अपने आप को कंपेयर करने लग जाओ दैट मीन्स हैजू बी वोकल अबाउट इट दैट दिस इज माई फ्रेंड और दिस इज माई गर्ल फ्रेंड और दिस इज माई वाइफ ये एक्टिंग लग रही है क्योंकि आप उस स्टेट से नहीं है आप वो भाषा नहीं समझ पाते आप वो टोन नहीं समझ पाते सो दैट्स योर ओपिनियन तो मैं और मेरी मॉम सुबह पाँच बजे उठते थे हम जाते थे न्यूज़पेपर वाले को पकड़ते थे और न्यूज़पेपर वाले को हम एक एक पैम्पलेट देते थे ताकि वो उनकी आँखों के सामने अंदर डालें कभी भी गुस्सा आए तो जस्ट रिमेंबर शिवांगी होती तो क्या होता या उस गुस्से के बाद या उस हेलो गाइस वेलकम टू टेली मसाला दिस इज मी अंपिका सिंह योर होस्ट एंड दोस्त बिग बॉस ओ टी टी थ्री बज में तो है बट आपने वीकेंड के वार का एक एपिसोड देखा होगा जहां पे कंटेस्टेंट और होस्ट से ज़्यादा किसी के अंदर एनर्जी दिख रही थी वो कोई और नहीं शिवांगी थी जो आज हमारे साथ है शिवांगी सबसे पहले तो कैसे हैं आप एंड एन इतनी एनर्जी आई कहाँ से थी बस क्या कहे हमारा काम है ये <laughs> नहीं आई कॉल्ड इन द मॉर्निंग और मुझे कहा कि आप आ जाइए आपने इस रिगार्डिंग ट्वीट किया है एंड यू इफ़ यू विश टू टॉक यू कैन कम आई सेड आई एम नॉट श्योर मैं सोचना चाहूँगी थोड़ा क्योंकि वन आई नो इट्स साइ शो आई वॉन्ट ऑल द लाइमलाइट लव एंड अटेंशन टू गो टू हिम एंड सेकेंडली आई डेंट वॉन्ट कि ये चीज़ मेरी वजह से उनका कोई भी गेम किसी भी तरीके से ख़राब हो जाए सो आई सेड आई डोंट थिंक and then they started convincing and they, they are like listen he is a little low also and it is important that you talk about this क्योंकि uh, लड़कों के बारे में नहीं हर बार बात होती है so I said हाँ actually it makes sense then uh, I was like ठीक है चलो पहुँचते हैं मैं literally एक डेढ़ घंटे में वहाँ पहुँची हूँ ready हो गये 20 मिनट में before I could even think क्या बोलूँ मैं या क्या होगा I was miced and they are like चलो 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 and I was on the stage and I was like ठीक है यार मतलब अब आई हूँ किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए एंड आई नो आई एम नॉट रॉन्ग देन वाई शुड आई शाई और बी अफ्रेड ऑफ तो मैंने तो खुल के बात रखी अब एनर्जी अच्छी लगी तो आई एम ग्लैड यू डिड ऑल्सो जाने से पहले सेट पर किसी से कोई डिस्कशन किया था आपने या कुछ भी ऐसा बोला था कि हाँ मुझे जाना क्या बातें करूँ मैं क्या नहीं किसी से कॉल पे या मैसेज पे कुछ भी कुछ नहीं मैंने सबसे पहला कॉल साई के मैनेजर को लगाया और संजीत uh, जो उनकी पी आर टी में उनको लगाया मैंने कहा वो बुला रहे हैं मुझे एंड आई डेंट वॉन्ट टू गो वॉट शुड आई डू एंड देर एड या यू शुड गो एंड या इफ यू इफ यू नो यूर स्पीकिंग द राइट थिंग देन डोंट बी अफ्रेड एंड नो बडी टोल मी वॉट टू से बट दे आपने ट्वीट किया है तो आपको पता है क्या बात करना है सो डेंट अ डिस्कशन एज आई सेड बिफोर आई कुड थिंक मैं बाल सेट करूं अच्छे से उससे पहले उन्होंने माइक लगा दिया और उन्होंने कहा चलिए 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 सो आई डेंट हैव टाइम टू थिंक सो वॉटर केम केम फ्रॉम माई हार्ट एंड माइंड की जर्नी कैसी लग रही है आपको बिकॉज कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो गेम नहीं खेल रहे मतलब वहाँ पे एक्टिंग ही चल रही है उनकी hmm. तो अब इट्स uh, इम्पॉर्टेंट कि हम ये चीज़ समझें कि हर कोई अलग अलग स्टेट से आ रहा है और हम सब इंडियन Indian, इंडियंस हैं और वी आर ह्यूमन बींग्स फर्स्ट दैट इज़ ऑल्सो टू बी एड्रेस हम किसी और की टोन को फेक ये वो नहीं बोल सकते थोड़ा मुश्किल होता है ये समझना मुझे कई दफ़ा कहा गया है कि महाराष्ट्र आर वेरी रूड आई मीन आई एम सॉरी आई डोंट गेट इट दैट्स द वे दैट टोन इज यू गो डाउन साउथ दू विल टॉक अ सर्टन वे यू गो टू द नॉर्थ दे विल टॉक अ सर्टन वे सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ये एक्टिंग लग रही है क्योंकि आप उस स्टेट से नहीं हैं आप वो भाषा नहीं समझ पाते आप वो टोन नहीं समझ पाते सो दैट्स योर ओपिनियन गुड फॉर यू बट इफ़ ही वाज एक्टिंग वो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा कर सकते थे बहुत सारे इमोशंस छुपा सकते थे पर वो नहीं वो नेचुरली फ्लो हो रहा है अंदर बिना फोन के उनके मन में जो जो बातें आ रही है और वो लोगों को जब बता रहे हैं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं क्या क्या आई हैव गॉन थ्रू सो मच बचपन में जब मैं छोटा था मॉम हैव टू गो थ्रू सो मच एंड ही इज़ अ ड्रेसिंग इज मॉम आई इवन हैट अ वर्ल्ड विच साई इज मॉम जहाँ पे साई की मॉम ने बतायागी एवरी थिंग दैट इज सींग इज सो ट्रू वी हैव पॉट टूगेदर एज फैमिली विद द सोसाइटी क्योंकि उस टाइम पर सोसाइटी एग्रेसिव थी शीज एक मैं साई को मेरे मॉम और डैड स्कूल भेजने से पहले इटली बैठा के बोलते थे कि बेटा आज डैड के बारे में ये झूठ बोलना है अगर कोई पूछे डैड कहाँ तो कहना है कि वो यहाँ गए हैं वो वहाँ गए हैं दैट्स हाउ दे वर डीलिंग विद द सिचुएशन बिकॉज शी सेड वन आई डिड नॉट हैव द टाइम बिकॉज आई हैड टू अर्न मनी फॉर हिम तो उस बच्चे को जिसको कभी वो चीज़ एड्रेस करने नहीं मिली आज वो वहाँ बैठ के एड्रेस कर रहा है एंड ही इज़ नॉट लेटिंग इट स्टॉप विच आई एम सो हैप्पी अबाउट मैंने उसे कहा था जो भी होगा निकलने दे कोई फेक बोले फ़र्क नहीं पड़ता है ही नोज़ वट ही इज़ गोइंग थ्रू एंड हैज़ गॉन थ्रू एंड हाउ ही हैज़ कम दिस फार सो इट्स इट्स लाइक योर ओपिनियन दैट यू फाइंड इट फेक आई मीन सो शिवांगी और भी चीज़ें बताई है साई ने कि वो uh, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे ये yes, रेस्टोरेंट में उन्होंने वेटर का काम किया क्या ये आपको पहले पता थी ये चीज़ें आ, मुझे वेटर वाला उसने एक बताया था कि मैंने वेटर की तरह दौर पे के तरह काम किया है और उन्होंने मुझे हम जब एक आ, वॉक पे गए थे हम कहीं लाइक इवनिंग वॉक वी वेंट फॉर एंड वी यूज टू यूजुअली गो फॉर दैट तब उसने मुझे बताया कि अरे पता है हम ऐसे मॉर्निंग वॉक्स पे जब लोग जाया करते थे तो मैं और मेरी मॉम सुबह पाँच बजे उठते थे हम जाते थे न्यूज़पेपर वाले को पकड़ते थे और न्यूज़पेपर वाले को हम एक एक पैम्पलेट देते थे ताकि वो उनकी आँखों के सामने अंदर डालें और uh, सुबह फिर हम लोग उस सामने वाले गार्डन में जाते थे जो भी चल के गुजर के जो भी जा रहा है उनको एक एक एक, -एक पैम्पलेट देते थे सो इट इट इज सच अ ग्रेट स्टोरी मैन फॉर एलेवन ईयर ओल्ड किड मैं पता नहीं ग्यारह साल की थी तो अब शायद मैं बस पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी आई हैड माई पेरेंट्स विद मी ही अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट तो उनका अग्रेशन भी अगर निकल रहा है तो इट्स कमिंग फ्राम दैट एरिया इट्स नॉट कमिंग फ्राम दिस फैक्ट कि मैं घमंडी हूँ इट्स कमिंग फ्राम दिस स्पेस दैट आई हेव सीन इट ऑल

कुछ भी अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो दैट मेक्स अस फील गुड दैट यू एज अ फ्रेंड आर अवेलेबल फॉर मी तो वी वर लाइक कि कुछ आई वॉन्टेड टू गिव हिम एज अ गिफ्ट कि यू कैन टेक इन साइड देन पीपल टोल्ड मी कि यार अंदर ले जाने के बाद वो चीज़ तोड़ वोड़ देता है सो समथिंग एक्सट्रीमली पर्सनल आई वज लाइक कि नहीं जो मेरी चीज़ है या मैं चाहती हूँ उसके पास फॉर एवर है आई लाइक नहीं सो वी वर एट दिस स्टोर वेयर वी वर लाइक कि आई लाइक दिस रिंग ही सेट आई ऑल्सो लाइक दिस रिंग एंड आई वॉज ए सी यू टेक दिस एंड रिमेंबर कभी भी गुस्सा आए तो वह उसके हाथ में थमाई मैंने कहा कभी भी गुस्सा आए तो जस्ट रिमेंबर शिवांगी होती तो क्या होता या उस गुस्से के बाद या उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद बुरा लग रहा है तो जस्ट सेट वि रिंग एट लीस्ट थिंक अबाउट मी एंड काम डाउन एंड आई सेट आई थिंक द सेम इफ्स आई वॉज देट आई वुड है क्या ओपिनियन देता है वो क्या बोलता है सो इट्स दैट ऑल्सो uh, साई की जो फ्रेंडशिप बढ़ गई थी सना के साथ वो आपको देखकर कहीं से भी आप इनसिक्योर हुए थे बिकॉज ऐसा होता ना फ्रेंडशिप में भी लोग इनसिक्योर हो जाते यार कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है बट ये किसी और से क्लोज हो रही है पॉजिटिव हो जाते हम फ्रेंड uh, मतलब फ्रेंडशिप में भी पॉजिटिवनेस हो जाती है सो डू यू फील्ट दैट कि मतलब हाँ की कहीं से आई डोट थिंक सो देखो uh, क्या है ही इज़ एन इंडिविजअल इन दी एंड एंड ही इज़ अलाउड टू मेक चॉइसिस इफ इट जस्ट दैट Uh, अगर वो आपकी दोस्त बन रही है तो मैं अगर अपने आप को कंपेयर करने लग जाऊँ दैट मीन्स आई वॉन्ट समथिंग आउट ऑफ दैट फ्रेंडशिप यू आर माई फ्रेंड बिकॉज जस्ट आई फील गुड चिलिंग विथ यू टॉकिंग टू यू आपकी एडवाइस मुझे पसंद है यू सीन माई अप्स एंड डाउन एंड दैट्स वाई यू आर माई फ्रेंड अगर मैं इन चीज़ों में उसको नाप तोल करने लग जाऊँ कि तूने मेरे लिए ये नहीं किया तूने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया या कुछ नहीं किया दैट मीन्स आई एम पुटिंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू टू इट इट्स समथिंग इन वैल्यूएबल तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग लॉन्गेज ही इज़ हैप्पी ही हैज़ हैजू बी वोकल अबाउट इट दट दिस इज माई फ्रेंड और दिस इज माई गर्ल फ्रेंड और दिस इज माई वाइफ आई बी लाइक ग्रेट मैन आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल्सो जिस तरह से साई और अरबान की जो दोस्ती है काफ़ी क्लोज होती जा रही है सो so, कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये शायद साई के लिए आगे चल के गलत हो सकता है उनसे दोस्ती इतना क्लोजनेस रखना आगे चल के इन द गेम आई डोंट थिंक सो अंदर जाएंगे तो अंदर क्या दीवार को घूरेंगे बातें करनी पड़ेंगी अपने एक्सपीरियंस बताने पड़ेंगे और उन चीज़ों में फिर झगड़े होते हैं तो वो अलग बात हो जाती है बट यू हैव टू टॉक टू पीपल यू हैव टू मेक रिलेशनशिप्स इट कुड बी एनी इट कुड बी फ्रेंड्स और इट कुड बी लव वॉटर इट कैन बी एनी थिंग्स सो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेंग ही इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बट आई थिंक इफ साई इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड वो सना सुल्तान को आके बताते ही नहीं कि अरमान ने ये ये कहा न्यू आई हैव अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर मुझे उनको ये बताना पड़ेगा कि ये ये बात हुई है हमारी सो इट्स फाइन आई मीन मेकिंग फ्रेंड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द यू नो वे ऑफ और दैट्स द प्रोसेस ऑफ इट ऑल्सो जिस तरह से घर वाले जो अंदर हैं अभी फिलहाल शिवान शिवानी की बात करूंगी मैं स्पेशली लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो एड़ा बन के पेड़ा खा रही हैं मतलब कि ना समझ होने का नाटक कर रही हैं बट सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड वही है नहीं यार मैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो एक तो वो शी स्मॉल वन यू हैव टू कंसिडर दैट एंड टू एटलीस्ट अनलाइक नेजी वो यहाँ की बात वहाँ नहीं करती जब भी वो दोनों ग्रुप्स के साथ चिल करती है अगर उसको पूछा भी जाए साई उससे आई थिंक कल या परसों के इसमें पूछ रहा था कि क्या बोला क्या बोला शी मेट श्योर शील नॉट सी इट सो दैट्स अ गुड क्वालिटी विच नेजी डजन हैव नेजी बोल देता है क्योंकि उसको सामने वाले को थोड़ा बहुत बताना होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो आई डोंट थिंक आई अंडरस्टैंड वो थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी सी उनकी ज़बान वैसी थी बट वो अब इम्प्रूव हो गई है सो शी इज़ अ गुड प्लेयर